देखिए, जिनके पास मुद्दा नहीं होता है, जो भी लोग इस्तीफा की मांग कर रहे हैं वो बतावें कि उनके राज्य में क्या घटनाएं नहीं घटी है, क्या पुल गिरे नहीं हैं। देश में और भी जगह जहां के नरेंद्र मोदी हैं वहां पुल गिरा ध्वस्त नहीं हुआ है, तो क्या उनका राज नहीं था? तो ये दोष जो है उस पर कार्रवाई, दोषी जो होगा कार्रवाई होगी। और रेल जिस तरह से घटना घटी है, रेल पर कोई ध्यान नहीं है, ये सब बेच दिया है मोदी ने, देश को बेच दिया। अब यही हम लोग को देखना है कि हम लोग किसके पाले में हैं। रेल बेच गया, भेल बेच गया, प्लेटफॉर्म बेच गया, हवाई जहाज बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया गया। अब हम लोग को अब बिकना बाकी है, हम लोग को भी बेच देगा पर ये नरेंद्र मोदी। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। देश में आज ही के दिन आपातकाल घोषित किया गया था, एक तरह से कहा जाए कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया गया था। इस विचारधारा के विरुद्ध चाहे लालू प्रसाद यादव हों या फिर नीतीश कुमार, जिनकी उत्पत्ति हुई, आज जो स्थिति बनी हुई है वो सभी के सामने है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाई वीरेंद्र, राजद के वरिष्ठ नेता हैं। जिस तरह से आप लोग कांग्रेस के आज साथ गठबंधन कर लिए, वही कांग्रेस के खिलाफ आप लोगों ने बिगुल फूका था, क्या कारण रही? क्या समय की पुकार होती है? राजनीति में परिस्थितियों का खेल होता है, और राजनीति में जब समाज उब जाती है किसी से तो उसके खिलाफ में आंदोलन होता है। जिस तरह से आज बीजेपी के खिलाफ में पूरा देश के लोग तबाह हैं, तो देश में क्रांति होगी और परिवर्तन, क्या बिगुल फूंक दिया गया है? इसी तरह उस समय इमरजेंसी लगा था, इमरजेंसी में हम लोग भी जेल गए थे, और आज जितने भी नेता हैं देश के स्तर पर, चाहे कहीं मुख्यमंत्री हों, बिहार के मुख्यमंत्री हों, पूर्व मुख्यमंत्री हों, और उसी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के देन है ये लोग उस समय के आंदोलन के नेता रहे हैं। लेकिन आप मानते हैं कि वो काला दिन के रूप में, काला दिन के रूप में देखा गया था? काला दिन था तो जनता ने निर्णय किया, और जनता का जो भरोसा था उसको उन लोगों ने तोड़ा था, इसलिए जनता फिर बदला ली थी और सरकार से उनको पदच्युत किया था। तो आज क्या कारण वजह रही भाई वीरेंद्र जी, क्योंकि आप लोगों ने जिन विचारधारा के विरुद्ध लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, जेल गए, आज उन्हीं के साथ आप लोग फिर गठबंधन? देखिए, वो विचारधारा नहीं था। कभी भी कोई भी आदमी जब इमरजेंसी लगाता है, आपातकाल लगाता है और कोई तानाशाह जैसा काम करता है, उसके खिलाफ में जन आंदोलन होता है। आज तानाशाह जैसी कोई स्थिति नहीं है, और उनका भी विचारधारा, अभी हमारा विचारधारा सब मिलता जुलता है, इसलिए तानाशाह के खिलाफ में हम लोग ने आंदोलन किया था, किसी पार्टी के खिलाफ में नहीं किया था। तो आप सब आज सब कुछ पैरेलल है, आप मानते हैं? हमें एकदम निश्चित रूप से मानते हैं। हम तानाशाह के खिलाफ में हमारे नेताओं ने, लोकनायक जयप्रकाश ने आवाज उठाया था, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो छात्र के नेता थे उस समय, उन लोगों ने तानाशाह के खिलाफ में आवाज उठाने का काम किया। जिस तरह से आज तानाशाही पूरे देश में दिखाई दे रहा है, उसके खिलाफ में भी हमारे बिहार से आवाज़ उठी है। जब जब क्रांति हुई है बिहार से ही है, और समाजवादी जब जब करवट लेता है, ये बिहार समाजवादियों का घर रहा है, और समाजवादी जब भी करवट लेता है, अंगराई लेता है, तो देश में परिवर्तन होता है। उसी तरह बिहार ने हमेशा परिवर्तन करने का काम किया है, और इस बार भी परिवर्तन करने के लिए यहीं से बिगुल फूंका जाएगा। लेकिन तो आप मानते हैं, आप आज की बात कर रहे हैं, आप कल की बात कर ही नहीं रहे हैं, क्या लगता है कांग्रेस अगर फिर सत्ता में आती है तो क्या वह दिन? देखिए, ये समय अलग था, तानाशाही का विरोध हमेशा रहा है, और किसी का तानाशाही चला नहीं है, हमेशा जनता तानाशाह के खिलाफ में आंदोलन करता रहा। भाई वीरेंद्र जी, कई लोग हैं जो उस चीज से उभरे अब तक के नहीं है। अभी तो बीजेपी तानाशाही कर रही है, उसके खिलाफ में आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि आप लोग जिस तरह से ये कहते रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, इसमें करप्शन की बात नहीं होती है, लेकिन आज आप लोग पर आरोप है कि आप लोग कमीशन खोर सरकार हैं। सवाल है कि जो लोग आरोप लगाते हैं वो सामने और अपने आप से वो पूछें कि वो क्या हैं। जो जैसा रहता है वैसा ही आरोप दूसरे पर लगाता है, इसलिए जो लोग आरोप लगाए हैं उनसे पूछिए कि आपने कौन सा आरोप, देश का सारा कमीनी, देश का सारा
पैसा अडानी अंबानी के हाथों में चला जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि देश का सब लूट कर और अडानी अंबानी के यहाँ पैसा दे रहे हैं और पार्टी फंडिंग बना रहे हैं? ये उनसे वो सवाल जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है वही सवाल ये सब करते हैं, तो ये तो आश्चर्य की बात है। अडानी की बात आपने छेड़ा है, मैं उस सवाल पर भी आऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल है जो खगड़िया में निर्माणाधीन जो पुल के साथ जो आप लोगों ने देखा कि जो हादसा हुआ, इसको हादसा भी नहीं कर सकते हैं एक तरह से कहा जाए कि ये कहीं ना कहीं आप सरकार हो या फिर कोई और हो जो अधिकारी हो उसमें सम्मिलित हैं, तभी इस तरह की घटनाएं घटी। एक पुल नहीं, इस तरह से 5 पुल बिहार में हुआ। आपको पता होना चाहिए जो घटनाएं घटी है, पुल जो ध्वस्त हुआ है अभी निर्माणाधीन ही था, सरकार ने आदेश दिया है कि जांच करके जो दोषी लोग हैं उस पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो ये सवाल जब हम शामिल नहीं थे, महागठबंधन नहीं था, एनडीए था, तभी का वो पुल था और उसमें बीजेपी के नेता बाईस में था उसमें हम लोग नहीं थे। तो उसमें आपको बता दें कि बीजेपी के लोग मंत्री थे और जो कंपनी काम कर रही है उस कंपनी को बीजेपी के नेताओं ने लाने का काम किया था और सेंट्रल से उसका दबाव हुआ था, सेंट्रल के आदमी का है वो, और सरकार ने, हमारी सरकार जो महागठबंधन की सरकार है, उसने आदेश दिया है एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई करने का, जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई करने का। इसलिए जो भी घटना घटी है बहुत दुखद घटना है, बिहार के जनता का पैसा का, गाड़ी कमाई का, ये पैसे का ये है, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी और उसको दीवार भी करने का काम करेगी। आप लोग इस तरह से बालासोर में घटनाओं को लेकर के रेल मंत्री से एक सुर में इस्तीफे की मांग करने लगे थे, आज आप लोग से भी इस्तीफे की मांग की जा रही है? देखिए, जिनके पास मुद्दा नहीं होता है, जो भी लोग इस्तीफा की मांग कर रहे हैं वो बतावें कि उनके राज्य में क्या घटनाएं नहीं घटी है, क्या पुल गिरे नहीं हैं। देश में और भी जगह जहां के नरेंद्र मोदी हैं वहां पुल गिरा ध्वस्त नहीं हुआ है, तो क्या उनका राज नहीं था? तो ये दोष जो है उस पर कार्रवाई, दोषी जो होगा कार्रवाई होगी। और रेल जिस तरह से घटना घटी है, रेल पर कोई ध्यान नहीं है, ये सब बेच दिया है मोदी ने, देश को बेच दिया। अब यही हम लोग को देखना है कि हम लोग किसके पाले में हैं। रेल बेच गया, भेल बेच गया, प्लेटफॉर्म बेच गया, हवाई जहाज बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया गया, अब हम लोग को बिकना बाकी है, हम लोग को भी बेच देगा पर ये नरेंद्र मोदी। इसलिए इस सब बात नहीं है, रेल घटना घटी है, बहुत दुखद घटना घटी है, जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके परिवार को ढाढ़स देते हैं कि उनको दुख सहने की शक्ति प्रदान करे भगवान और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। एक सवाल यह भी है कि 12 जून को विपक्षी एकजुटता की बैठक होने वाली थी पटना में, हालांकि उसे पोस्टपोन किया गया है, तो क्या ये आप जानकारी होना चाहिए आप लोगों को कि उसमें कई बड़े नेता दल के बाहर, देश से बाहर हैं और देश से में लौटने के बाद अगली तिथि तय होगी। और ऐसी बात नहीं है, ये तो मोदी गोदी मीडिया का प्रचार है। ये सच्चाई है कि ये महागठबंधन से बीजेपी एनडीए की सरकार डर गई है, इसलिए गोदी मीडिया का ज़्यादा प्रचार प्रसार करवा रही है। इसलिए उसमें दम नहीं है, विपक्षी एकता के से घबराहट हो गई है और विपक्षी एकता होगा और देश से बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लग चुका है। कारण नेता करे और वो मथे मीडिया पे मढ़ा जाए, ये तो मैं मीडिया नहीं तो गोदी मीडिया के मैं बात कर रहा हूँ, जो मोदी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि सभी मीडिया बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र का, जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसको बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।